नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्मचर्य के बारे में एंड ब्रह्मचर्य में स्वप्न दोष के बारे में। ब्रह्मचर्य में स्वप्न दोष क्यों होता है, इसके बारे में पूरी बात करेंगे आज हम। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आपको स्वप्न दोष के बारे में पूरा पता लग जाएगा। सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूट्यूब में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है बोलते हुए कि स्वप्न दोष इसलिए होता है क्योंकि अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन किया हुआ है, अगर किसी इंसान ने बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन किया हुआ है तो उस इंसान को स्वप्न दोष हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको करे बिना रहा ही नहीं जाता है और उसका जो बॉडी है ऑटोमेटिकली मांगती है वीर्य निकालना मांगती है उसके बाद उसकी बॉडी, और ये बहुत गलत चीज़ है। इसको देखने के बाद, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपकी ये पूरी की पूरी सोच बदलने वाली है डेफिनेटली। ब्रह्मचर्य जो पालन करते हैं उनको ये बताया जाता है। सबसे पहले तो ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है? ब्रह्मचर्य का मतलब ये होता है कि आपके मन में पूरा नियंत्रण, आपकी बॉडी, पूरी बॉडी में नियंत्रण, आपकी वाणी में पूरा नियंत्रण और आपके दिमाग में पूरा नियंत्रण। मीन्स आपका या फिर आपकी आत्मा का आपकी पूरी बॉडी में नियंत्रण होना ब्रह्मचर्य कहलाता है। मीन्स आप कोई भी काम ऐसा नहीं करेंगे उसके बाद, अगर ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं तो उसके बाद आपको ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है जो कि आप नहीं करना चाहते हैं। ये होता है ब्रह्मचर्य, मतलब पूरी बॉडी में आपका कंट्रोल, पूरी माइंड में आपका कंट्रोल। एंड कंट्रोल योर माइंड, सबसे बड़ा बॉडी का पार्ट है आपका माइंड। अगर आपने माइंड को अपने कंट्रोल कर लिया तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर लेगा आपका माइंड, क्योंकि जो आप माइंड से चाहते हैं वही आप करते हैं। ये होता है ब्रह्मचर्य। नाउ अब हम बात करते हैं स्वप्न दोष के बारे में कि आपको स्वप्न दोष क्यों होता है। इसके लिए मैं आपको एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दूंगा। जब छोटे बच्चे होते हैं तो वो लोग अपने बिस्तर में पेशाब करते हैं, आपने देखा होगा। वो लोग पेशाब क्यों करते हैं? कुछ बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो छोटे बच्चे होते हैं वो तो ऑटोमेटिकली करते हैं, उनको तो अपने दिमाग में भी पता नहीं है। वो लोग तो बच्चे हैं, वो लोग तो भगवान के रूप हैं, वो लोग तो जो चाहते हैं वो करते हैं, उनको पता नहीं है कि भाई हम। लेकिन कुछ बड़े बच्चे भी बिस्तर में पेशाब करते हैं, और वो लोग क्यों करते हैं? उनका मेन कारण ये है कि वो लोग अपने सपने में कहीं ना कहीं पेशाब कर रहे होते हैं, कहीं रास्ते में, कहीं पेड़ के पीछे, कहीं यू नो कहीं पर भी कर रहे होते हैं, और एक्चुअली उनको लगी भी होती है जोर की। एंड वो लोग पेशाब कर रहे होते हैं पेड़ के पीछे या फिर कहीं पे भी कर रहे होते हैं, लेकिन सपने में कर रहे होते हैं। एंड वो कर रहे होते हैं लेकिन वो एक्चुअल में रियल में भी कर रहे होते हैं, एंड रियल में कर रहे होते हैं तो उनको पेशाब हो जाती है उनके बिस्तर में। ये होता है, मैंने एक जगह देखा भी था एक्चुअली इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल, एक भाई ने दिया था टिकटॉक में, और वो एक रियलिटी है, होता है, ऐसा ही है। नाउ अब हम स्वप्न दोष के बारे में बात करते हैं, स्वप्न दोष क्यों होता है। उससे पहले मेरी आप सभी भाइयों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यार आपको पता है हमारे चैनल को केवल 6% लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है। हमें बहुत सारे लोग देखते हैं लेकिन उसमें से केवल 6% लोगों ने हमें सब्सक्राइब किया हुआ है। तो यार अपना सपोर्ट दिखाओ अपने भाई को एंड सब्सक्राइब करो यार, आपका क्या ही जाएगा, सब्सक्राइब कर दिया करो। सो उसके बाद स्वप्न दोष क्यों होता है, क्योंकि आपके स्वप्न में एक लड़की आती है। अगर नहीं आती है कोई इंसान कह रहा है ऐसा, और अगर ऐसा कोई कह रहा है कि नहीं आती है एंड ऑटोमेटिकली स्वप्न दोष हो जाता है बिना किसी ड्रीम में कोई लड़की आए या फिर कोई बिना सोच आए ऐसा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि आपकी सोच खराब है, मे बी आप अच्छा सोचते हों, आप लड़कियों के बारे में अच्छा सोचते हों, या फिर आपकी सोच बहुत अच्छी हो, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी सोच खराब है, ये नहीं कह रहा हूँ मैं। बट आपके स्वप्न में एक लड़की आती है एंड आप उसके साथ संभोग कर रहे होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आपको स्वप्न दोष होता है। और इसका एक नॉर्मल सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, और इसके बारे में पूरी वीडियो बनाऊंगा मैं एक दिन, डेफिनेटली आपको ये पूरा प्रूव करके दिखाऊंगा कि आपको ये स्वप्न दोष होता है, और इसका जो सॉल्यूशन है वो भी मैं बताऊंगा अभी आपको। सो उसका एग्जाम्पल ये कहता है कि अगर आप दिन में नॉर्मली चल रहे हैं तो क्या आपको स्वप्न दोष होता है? स्वप्न दोष मीन्स मतलब जो आपका वीर्य है निकल जाता है ऑटोमेटिकली जब आप नॉर्मली चल रहे हैं, जब आप दिन में खड़े हैं, दिन में बैठे हैं। अगर आपका ऑटोमेटिकली केवल रात के सपने में ही ऐसा हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो आपके दिमाग में आता होगा ना, एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो लड़की आती है, डेफिनेटली आती है। और सबसे पहले बता दूं मैं आपको कि स्वप्न दोष का टाइमिंग क्या होती है। स्वप्न दोष की टाइमिंग होती है जब आपकी नींद खुलने वाली होती है, मीन्स 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, कभी भी आ सकता है, लेकिन
जब आपकी नींद पूरी होने वाली होती है केवल तब ही आता है। और ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि जो स्वप्नोज होता है केवल नींद पूरी होने से पहले आता है। तो अगर आप दिन में चल रहे हैं नॉर्मली या फिर अगर आप दिन में बैठे हैं नॉर्मली, तो आपको ऑटोमेटिकली क्यों नहीं होता है वीर्य स्राव, वीर्य आपका क्यों नहीं निकलता है? जस्ट इसका एग्जाम्पल दे दो मेरे को, उसके बाद मैं मानूंगा कि आपको स्वप्नदोष ऑटोमेटिकली होता है। ऐसा नहीं है दोस्त, बिल्कुल भी नहीं है। स्वप्नदोष केवल और केवल आपके दिमाग में जब एक लड़की आती है, चाहे कोई भी लड़की है यार, आपके स्वप्न में कुछ ना कुछ होता है। केवल एक बार ध्यान से देखना अपने सपने को, एक बार अपने सपने को ध्यान से देखना और आपके सपने में डेफिनेटली कोई ना कोई एक लड़की आ रही होगी एंड आप उसके साथ सेक्स कर रहे होंगे। ये एक बहुत बड़ा रीजन है दोस्त, इसको मैं प्रूव कर लूंगा एक दिन, और मैंने किया हुआ है, उसके लिए लिखा हुआ है मैंने। बस बट आपके लिए इतना ही काफ़ी है, अभी इतना जान लेना कि ये एक बीमारी बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले तो स्वप्न दोष के लिए जितने भी लोग दवाइयाँ खा रहे हैं, स्वप्न दोष के लिए जितने भी लोग कोई भी डॉक्टर को दिखाने की सोच रहे हैं, बिल्कुल भी ना दिखाएं। ये बीमारी नहीं है दोस्त, बिल्कुल भी बीमारी नहीं है, इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। और स्वप्न दोष के लिए जो भी लोग दवाइयाँ खा रहे हैं वो उसको आज के आज बंद कर दो बस। वो दवाइयाँ आपको और ज़्यादा कमज़ोर कर देंगी, वो दवाइयाँ आपको बॉडी को और ज़्यादा ख़राब कर देंगी दोस्त। इसलिए उन दवाइयों को खाना सबसे पहले तो बंद करो अगर आप खा रहे हैं। मेरे पास एक बहुत पहले क्वेश्चन भी आया था कि मैं कुछ दवाइयाँ खा रहा हूँ ये स्वप्न दोष को रोकने के लिए या फिर मास्टरबेशन को रोकने के लिए, बट इनके लिए कोई दवाइयाँ नहीं है दोस्त, इनके लिए केवल आपके दिमाग में कंट्रोल, केवल आपके दिमाग में कंट्रोल है तो आप इनको ईजीली छोड़ देंगे ईजीली। सो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपके सपने में ऐसा कुछ होता है एंड लड़की आती है, और इसका एक बहुत बड़ा फैक्ट है दोस्त, मैं बिना फैक्ट की बात नहीं करता हूँ, तो ये फैक्ट अगर आपके साथ हो रहा है तो आपको क्या करना है, आपको अपने दिमाग में जब आप दिन में रहते हैं, जब आप रात में होते हैं, कभी भी, सबसे पहले तो जो लोग पॉर्न देखते हैं उनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं। क्यों? क्योंकि जो आप दिन में देखते हैं वही आपके साथ रात में होता है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है। इसलिए दिन में देखते हैं तो आपको रात के टाइम आपके दिमाग में ये रहता है कि यार मुझे सेक्स करना है, मुझे हवस है, मींस बिना सेक्स किए बिना मैं नहीं रह सकता। अगर आपके दिमाग में ऐसा हो गया दोस्त, मतलब आपको सेक्स करना है, जैसे ही आपने दिमाग को बोल दिया आपको ऑटोमेटिकली स्वप्नदोष हो जाएगा दोस्त। नाउ अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीज़ बताने वाला हूँ स्वप्नदोष को दूर करने के लिए, और उनको कैसे किया जाता है, कुछ आसन है उनको करना है। सबसे पहला आसन है बद्ध पद्मासन, और बद्ध पद्मासन करके आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब में, उसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाई है, उसका मैं लिंक पिन कर दूंगा कमेंट में, तो आप देख सकते हैं उसको, ओके। और वो आपको पता लग जाएगा कैसे करना है, और उसको करने के बाद डेफिनेटली आपको स्वप्नदोष नहीं होगा। और उसको उस आसन को करना चाहिए ओनली रात के टाइम पे, रात को सोने से पहले उस आसन को करना चाहिए और आपको स्वप्नदोष नहीं होगा डेफिनेटली 100%। दूसरा होता है ताड़ासन, ताड़ासन करके भी आपको स्वप्नदोष नहीं हो सकता है, क्योंकि जो वीर्य है आपका उसको अपनी बॉडी में लाने का आसन है ताड़ासन, जो आपका सारा वीर्य है वो आपकी बॉडी में आ जाता है ताड़ासन करने के बाद, सो आप ताड़ासन भी कर सकते हैं। और तीसरा आसन मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा नॉर्मल सा आसन ये है कि आपको सांस लेनी है, सांस कैसे लेनी है, पेट से लेनी है, पेट आपका फूलना चाहिए और पेट फुलाओ एंड सांस लो ओनली 20-25 बार ऐसे, भाई मेरा पेट फुला हुआ है पेट एंड मैंने अपने, उसके बाद आपने क्या करना है, अपने नाक को देखना है, पेट फुलाओ सांस लो एंड अपने नाक को देखो और मेरा पेट फुला हुआ है नाउ एंड उसके बाद नाक को देखने के बाद आपका पेट फुला हुआ है एंड सीधा बैठना है, सीधा बैठने के बाद पेट फुलाओ, पेट फुलाने के बाद अपने नाक को देखना है एंड नाक को देखने के बाद आपका जो पेट फूला है उसके बाद आपको सांस लेनी है, सांस लेने के बाद आपको ये लगेगा कि आपका पेट फूलने के बाद, ये करने के बाद डेफिनेटली जो आपका स्वप्नदोष है वो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो आपका पेट फूलने के बाद जो आपका वीर्य है वो ऊपर की ओर गति करता है, मीन्स आपके बॉडी के अंदर आता है एंड वो एक वैक्यूम बनाता है अपने आपकी बॉडी में एंड वैक्यूम बनने के बाद आपके जो वीर्य है पूरा आपकी बॉडी के अंदर आता है एंड जो ये स्वप्नदोष ऑटोमेटिकली हो रहा है अगर आपका, तो वो नहीं होगा दोस्त, ओके। सो आज की वीडियो इतनी थी, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना एंड शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब जरूर करना इस चैनल को, और ब्रह्मचर्य की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना इस चैनल को, तो मेरा भाई ये सब्सक्राइब जरूर करेगा। थैंक्स अ लॉट, एंजॉय।